नमस्कार। अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से है, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल ने किया हरित संगम मेले का अवलोकन। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार भीलवाड़ा आए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का हेलीकॉप्टर से माणिक्यलाल वर्मा विद्यालय पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं और अधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बाद में वह मेला स्थल पहुंचे, जहां उनका अपना संस्थान के पदाधिकारियों ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। शर्मा दोपहर में निर्धारित समय से लगभग सवा घंटा देरी से पहुंचे। चित्रकूट धाम पहुंचकर हरित संगम पर्यावरण संरक्षण मेले का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री भजन लाल ने स्टेडियम में लगे 50 से अधिक प्रजाति के लगभग 10,000 से ज्यादा फूलों की प्रदर्शनी की जमकर तारीफ की। उसके बाद नगर परिषद टाउन हॉल में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए भजन लाल शर्मा ने कहा कि आज पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षों के संरक्षण की महती आवश्यकता है। वृक्षारोपण के लिए बलिदान करने वाली मां अमृता देवी ने पर्यावरण क्षेत्र में बहुत बड़ी मिसाल खड़ी की है। शर्मा ने हरि संगम जैसे मेले का आयोजन की महत्ता पर जोर दिया और आयोजकों को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभापति राकेश पाठक के साथ वीर बाल दिवस पर नगर परिषद द्वारा शहर के साहसिक बहादुरी से ओतप्रोत बालक बालिकाओं को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय आने पर स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र व नगद राशि का पुरस्कार भी दिया। इसके बाद शर्मा हेलीकॉप्टर से आसीन तहसील के कालियास के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे। आपको बता दें कि पहली बार भीलवाड़ा आए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मीडिया से बचते नजर आए। शर्मा का 2 घंटे से तेज धूप में इंतजार करते मीडिया कर्मियों को स्टेडियम में लगी फूलों की प्रदर्शनी व मेले में अवलोकन के दौरान प्रवेश नहीं देने से मीडिया कर्मी खासे नाराज दिखे। देखिए भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। और राजस्थान भक्ति के क्षेत्र में जाना जाता है, लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में भी राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी मिसाल खड़ी की है। मां अमृता देवी से बड़ा कोई भी प्रकृति प्रेमी नहीं मिल सकता। मुझे खुशी है कि मां अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान लाखों पौधे लगाकर पर्यावरण का संरक्षण करती है। मैं आपसे और भी सेवा मांगना चाहता हूं कि आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में कहीं ना कहीं 5, 10, 11, 15, 21 पेड़ों के आप पालक बने। पालक बनते हुए उनका संरक्षण का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूं।